हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑन फिजिक्स ऑन फिंगर टिप्स। और टॉपिक इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। सो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो देखिए, द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स है इसका हम डिस्कस करेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है ये कितने टाइप का होता है? ये बेसिकली टू टाइप का होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा वाला? अट्रैक्टिव वाला। सो टाइप वन है कोहेसिव फोर्स, टाइप टू है एडहेसिव फोर्स, बी है एडहेसिव फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? देखिए, कोहेसिव फोर्स, सो बेसिकली क्या होता है? कोहेसिव फोर्स के अंदर ऐसा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कब लगे? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, यानी एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ the same substance is known as, क्या कहते हैं उसको? कोहेसिव फोर्स। ओके, अब बात करते हैं, देखिए लिक्विड सॉलिड गैस इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स में। इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स की जब हम बात करेंगे तो जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। तो देखिए, कोहेसिव फोर्स इज वेरी स्ट्रांग ड्यू टू डेफिनेट शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड्स। सो इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है। सो देखिए, कोहेसिव फोर्स is weaker than solids due to indefinite shape but definite
वॉल्यूम। इन गैसेस, गैसेस में क्या होता है, देखिए गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम, ओके सो इसलिए सबसे कम या फिर कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल बिकॉज, क्यों, क्योंकि गैसेस हैव नेदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा था क्या, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कब लगता है, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ओके सो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात कर ली। जैसे हम चौक से बोर्ड पर लिख पाते हैं, किसके कारण लिख पाते हैं, एडहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। जो चौक है और जो बोर्ड है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगता है।